कुकम्बर खीरे का जो फीमेल फ्लावर रहता है उसके नीचे छोटा सा फ्रूट बना होता है और दूसरा वाला मेल फ्लावर रहता है। हैंड पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर को तोड़ करके उसकी सारी पंखुड़ियाँ निकाल दें और जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको फीमेल फ्लावर के ऊपर रखें। इससे दोस्तों पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हैंड पॉलिनेशन हो जाता है। तीसरे दिन से ही जो है फ्रूट बनने लग जाता है और अगर पॉलिनेशन नहीं होता है तो यही फ्रूट जो है पीला पड़ करके सूख करके गिर जाता है।